हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है टेस्ट क्विज पे। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है। इस टॉपिक में देखेंगे, टॉपिक का नाम है मेंटल एबिलिटी। इस मेंटल एबिलिटी में आपको क्वेश्चंस इस प्रकार के होंगे जैसा कि ये बोर्ड के स्क्रीन पे आपको क्लियरली विजिबल है। ये आपके नवोदय विद्यालय के क्वेश्चंस है जो मेंटल एबिलिटी में आएंगे। टोटल आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं और उसके मार्क्स जो टोटल है आपके वो 50 मार्क्स के हैं। दिखने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एकदम टफ टाइप दिख रहा है, लेकिन इसको आप बार बार प्रैक्टिस करके हमारी वीडियो को बार बार इसको देखेंगे, सारी वीडियोस को देखेंगे, हम आपको इतने इजी ट्रिक में इसको समझाएंगे, आप बोलेंगे सर ये तो वाकई में काफी इजी सवाल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे इस साइड पे, जो ये इस साइड पे अलाइंड है ये हमारे क्वेश्चंस है, और इस साइड पे जो आपके दिख रहे फोर डिफरेंट, जिसमें ए बी सी डी करके फोर डिफरेंट फॉर्म पे जो मेंशन है, ये इनमें से कोई एक ऑप्शन इसका सही क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर होगा। तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर क्या सही है। तो मेंटल एबिलिटी में आप ये ध्यान लीजिएगा कि आपके पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन आपसे क्या डील करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे इस बॉक्स के अंदर जो भी फिगर बना हुआ है ये पर्टिकुलर फिगर हमको क्या बता रहा है या ये फिगर हमको क्या डिपिक्ट कर रहा है। तो आप देखिएगा इसमें इस बॉक्स के अंदर आपके पास क्या अवेलेबल है, एक ट्रायंगल बना हुआ है और उस ट्रायंगल पे एक सर्कल दिखेगा, वो सर्कल ट्रायंगल के अंदर है। अगर वो सर्कल ट्राइंगल के अंदर है, एक और चीज ध्यान से नोटिस कीजिएगा, वो किसी कॉर्नर पे नहीं है, वो सीधा सीधा एक पर्टिकुलर बेस लाइन पे ही वो सर्कल बना हुआ है। तो हमको जो भी ऑप्शन मिले हुए हैं इसमें आपको दो चीज को ध्यान रखना है, पहला तो वो सर्कल इस ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए और दूसरा वो किसी भी कॉर्नर से टच नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक ऑप्शन को कौन से ऑप्शन को मैच करते हैं। पहला हमारे पास ट्राइंगल है जिसका हमने लिखा है पर मेंशन ए, देखिए इसमें ट्राइंगल तो बना हुआ है, चलिए हो गया, लेकिन जो सर्कल है वो ट्राइंगल के बाहर है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर नहीं है, यहां से गलत है इसका ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं जिसमें देखिएगा हमारे पास एक ट्राइंगल फिर से बना हुआ है, सही है, सर्कल भी है ये भी सही है, सर्कल ट्राइंगल के अंदर है। अब आपको लगेगा कि सर ये तो ऑप्शन सही है, आपको बोले ट्राइंगल के अंदर नहीं, ट्राइंगल के अंदर तो सर्कल है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए ये ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल है कॉर्नर पे है, एक एज पे है, इसीलिए आपका बी ऑप्शन भी गलत है। अब चलिए सी पे आते हैं, सी पे भी देखिए आपने एक ट्राइंगल बना हुआ है, आपका सर्कल भी बना हुआ है, लेकिन जो सर्कल बना हुआ फिर से ट्राइंगल के बाहर है, ट्राइंगल के आउटर साइड पे है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। अब आखिरी ऑप्शन पे आते हैं डी पे, अब देखिए डी के ऑप्शन को क्या ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। क्वेश्चन पे ट्राइंगल था, हाँ हमारे पास ट्राइंगल है, क्वेश्चन पे सर्कल भी है, हमारे पास सर्कल भी है, ये सर्कल ट्राइंगल के अंदर है, हाँ ये सर्कल ट्राइंगल के अंदर है, और सर्कल ट्राइंगल के अंदर होने के साथ किसी बेस लाइन के साथ जुड़ा है, किसी भी कॉर्नर पे नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन डी। तो देखिए कितना सरल है, ऐसी कई सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे और आपके मेंटल एबिलिटी को बहुत इजीली तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमारे पास बना हुआ एक सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल पे एक लाइन है। अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि डायमीटर या रेडियस नहीं है, ये किसी भी कॉर्नर को टच भी नहीं कर रहा है, सिर्फ उसके बीच पे एक स्ट्रेट लाइन है, इसको वर्टिकल बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, क्लियर। अब देखिएगा जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, फिर से हमारे पास चार डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम इसको कंपेयर करके देखेंगे कि किस पर्टिकुलर ऑप्शन को ये सुटेबली करेक्ट करता है। पहला हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास फिर से सर्कल बना हुआ है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन ये लाइन वर्टिकल ही हॉरिजॉन्टल है, इसमें देखिए आप ये वर्टिकल लाइन है, अगर ये वर्टिकल लाइन तो इसमें भी होना चाहिए, तो ये नहीं ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत, क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं बी ऑप्शन, बी ऑप्शन पे देखिए हमारे पास क्या अवेलेबल है कि ये जो लाइन हमारे पास जो वर्टिकल है इसमें ये स्ट्रेट है लेकिन बैक स्लैश है, यानी कि पीछे की तरफ झुका हुआ है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाइए सी ऑप्शन पे, सी ऑप्शन में देखिए फिर से सर्कल बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन भी है और ये वर्टिकल है, तो इससे एग्जैक्ट जो आंसर मिलता है सी। अब आप सोचेंगे कि सर डी हो सकता है कि नहीं, तो चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं यहां से है कि नहीं। देखिए इसमें भी सर्कल बना हुआ है, आपके पास स्लैश भी है लेकिन ये फ्रंट स्लैश, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। तो देखिए कितने आसानी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लिए हैं, आप घर बैठ के एक पेपर और सीजर और पेन को यूज करके ये डायग्राम बना सकते हैं और बार बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम में गिवन 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफी आसान हो जाए और 50 में 50 स्कोर करना, मतलब फुल में फुल
स्कोर करना आपको काफी आसान हो जाए। तो ये वीडियो हमारे मेंटल एबिलिटी के था। नेक्स्ट हमारे वीडियोस में जितने भी वीडियोस हमारे पोर्टल पे देखेंगे टेस्ट क्विज पे, जो एक बहुत अच्छा चैनल है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लेके आ रहे हैं, आपको घर बैठे आपको सारे वीडियोस को बहुत आसानी तरीके से और बहुत बेस्ट वे पे, सबसे बेस्ट वे पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सारे टीचर्स बहुत मेहनत से आपको अच्छे अच्छे टेक्निक बताएंगे कि हम कैसे पढ़ सके और सबसे अच्छे नंबर बहुत आसान तरीके से कैसे स्कोर कर सके। तो ये तो हमारे मेंटल वीडियो में था, मेंटल एबिलिटी का वीडियो टोटल जिसपे ये डील कर रहा है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो हमारा अनसीन पैसेज का, अनसीन पैसेज में भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा। ऐसा कोई पैराग्राफ दिया जाएगा जिस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, जो आप पहली बार पढ़ रहे हो उस गिवन पैराग्राफ को पढ़ के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उसके बाद की वीडियोस में आपको दिखाया जाएगा कि मैथ्स को कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिएगा फिर हमारे टेस्ट क्विज़ पे। आपसे